गाइस, रोटी और चावल तो हम सभी लोग खाते हैं, पर जो लोग अपना साइज बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, अपना वेट बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, अपनी मसल्स बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, तो वो कुछ ऐसे फूड्स खाते हैं जिसकी मदद से वो अपना साइज गेन बहुत तेजी से कर पाते हैं, अपना वेट बहुत तेजी से बढ़ा पाते हैं, अपनी मसल्स गेन बहुत तेजी से कर पाते हैं। तो जानना चाहते हो वो ऐसे कौन से 5 फूड हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पूरा अंत तक देखना यार, तभी आपको पता लग पाएगा। अगर आप कोई भी काम कर रहे थे ना, तो वो काम बंद कर देना प्लीज यार। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए यार। तो मैं आपको सबका भाई ताबिज, एंड आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्काइकिंग हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जेन्युइन एंड यूजफुल कंटेंट आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा यार। तो बात करते हैं पहले फूड के बारे में, जो कि आपको रोज डेली खाना है, वो है ओट्स यार। जो ओट्स होता है ना, उसके अंदर काफी अच्छी क्वांटिटी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो वो हमें हल्के हल्के एनर्जी देते रहते हैं, हम पूरे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे, हमारी एनर्जी बनी रहेगी यार, और हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। साथ ही साथ हम अपना वेट तेजी से बढ़ा सकते हैं, अपनी मसल्स को तेजी से बढ़ा सकते हैं यार। तो अगर आपको साइज गेन करना है, मसल्स गेन करना है, वेट को बढ़ाना है, तो अपनी डाइट के अंदर ओट्स जरूर ऐड कर लीजिए। ब्रेकफास्ट में आपको ओट्स जरूर कंज्यूम करना है, रोज डेली जरूर खाना है। बात करते हैं दूसरे फूड के बारे में, जो कि आपको ऐड करना है अपनी डाइट के अंदर, वो है होल एग यार। अगर आप अपनी डाइट के अंदर रोज डेली अंडे खाते हो, अंडे कंज्यूम करते हो, तो अंडों के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। अगर आप हाई क्वालिटी प्रोटीन खाओगे तो आपका साइज गेन होगा, आपकी मसल्स गेन होंगी, आपका वेट तेजी से बढ़ जाएगा यार। तो अगर आप अंडे नहीं खा रहे थे तो प्लीज अंडे अपनी डाइट के अंदर जरूर कंज्यूम कर लीजिए, अपनी डाइट में अंडे जरूर बढ़ा दीजिए यार। तो आपको एक दिन के अंदर करीब 3 से 4 से 5 अंडे जरूर कंज्यूम करना है। तो अगर आप 4-5 अंडे कंज्यूम कर रहे हो, तो उसका जो पीले वाला हिस्सा होता है, तो जो है 3 अंडों का पीले वाला हिस्सा निकाल देना है, 2 अंडों का पीले वाला हिस्सा कंज्यूम कर लीजिए, खा लीजिए, और जो अंडों के अंदर हाई क्वालिटी आपको प्रोटीन मिलेगा, आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी, आपकी मसल्स गेन होना शुरू हो जाएंगी यार। बात करते हैं अगले फूड के बारे में, वो है एलमंड्स, बादाम। आपको अपनी डाइट के अंदर बादाम जरूर लेना चाहिए, बादाम जरूर खाना चाहिए यार। अगर आप बादाम खाते हो तो उसके अंदर काफी अच्छी क्वांटिटी में हेल्दी फैट मिलता है, हेल्दी फैट के अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आपको 3 गुना ज्यादा कैलोरीज मिलेंगी अगर आप अपनी डाइट के अंदर आलमंड्स बादाम खाओगे। तो बादाम में आपको क्या मिलेगा, हेल्दी फैट मिलेगा और साथ ही साथ प्रोटीन भी मिलता है उसके अंदर। तो आपको अगर बॉडी बनाना है, आपको मसल्स गेन करना है, आपको वेट बढ़ाना है ना, आपको अपनी डाइट के अंदर बादाम जरूर खाना चाहिए यार। एक दिन के अंदर करीब आपको 8 से 10 बादाम जरूर खाना ही चाहिए। बात करते हैं अगले फूड के बारे में, वो है पीनट बटर यार। मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे जितने भी लोग साइज गेन कर रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, मसल्स गेन कर रहे हैं, तो वो पीनट बटर अपनी डाइट के अंदर जरूर ऐड करते हैं, पीनट बटर रोजली जरूर खाते हैं यार। और जो पीनट बटर है ना, उसके अंदर काफी अच्छी क्वांटिटी में हेल्दी फैट मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, और भी बहुत सारे मिनरल्स विटामिन मिलते हैं यार उसके अंदर। तो अगर आपको साइज गेन करना है, बॉडी बनाना है, मसल्स गेन करना है, कुछ भी करना है, तो आपको पीनट बटर जरूर ऐड करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर यार। और जो पीनट बटर है ना, वो काफी हेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए। अगर आपको और भी जानना है कि पीनट बटर कब और कैसे कितना खाना चाहिए, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी पीनट बटर कब कैसे और कितना खाना चाहिए। बात करते हैं अगले फूड के बारे में, जो कि वेजिटेरियन लोग हैं ना, वो लोग सोयाबीन खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं यार। जो सोयाबीन होता है, पनीर होता है, उसमें काफी अच्छी क्वांटिटी में आपको प्रोटीन मिल जाएगा यार। तो अगर आप जो है अंडे वगैरह कंज्यूम कर सकते, चिकन वगैरह नहीं खा सकते, तो आप जो है सोयाबीन कंज्यूम कर सकते हो, पनीर खा सकते हो यार। तो जो सोयाबीन है, पनीर है, तो उसके अंदर काफी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलेगा, वो आपका साइज गेन करेगा, आपकी मसल्स गेन करेगा, आपका वेट बढ़ा देगा यार। तो आपको ये 5 फूड अपनी डाइट के अंदर जरूर ऐड करना ही चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लोग के मैसेज आते हैं, वो पूछते रहते हैं मुझसे यार कि प्लीज भाई हमें कुछ बता दो सर, हमें ऐसा कुछ बता दो जिससे हमारी बॉडी बन जाए, हमारा वेट गेन हो जाए, हमारी मसल्स बन जाए यार। तो दोस्तों, ये 5 फूड अपनी डाइट के अंदर जरूर ऐड कर लीजिए, मैं ये गारंटी ले रहा हूं, अगर आपने ये 5 फूड ऐड कर लिए तो आपका वेट बढ़ने वाला है, आपकी मसल्स इंक्रीज होने वाली है, आपकी बॉडी का साइज बढ़ने ही वाला यार। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी बहुत कुछ सीख पाए यार। और इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, मुझसे मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा यार। ऑल द बेस्ट यार, दुआ में रखना, बाय।